नमस्कार। इन दो चीजों को सूंघने पर अगर नहीं आई खुशबू तो तुरंत पहुंचे डॉक्टर के पास। सूखी खांसी, बहती नाक, बुखार और थकावट कोरोना वायरस के आम लक्षण हैं। इसके अलावा गंध और स्वाद की हानि भी कोरोना के लक्षणों में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि वायरस से संक्रमित होने के बाद टेस्ट और स्मेल नहीं आने पर कैसा महसूस होता है? क्या इन लक्षणों के बाद मरीज किसी भी तरह की स्मेल और टेस्ट को महसूस नहीं कर पाता है? गंध की कमी संक्रमण की प्रारंभिक चेतावनी। इस पर कई शोधकर्ता मानते हैं कि कोरोना के साथ गंध की कमी संक्रमण का प्राथमिक चेतावनी संकेत है। हालांकि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया है कि कोरोना के मरीज कुछ ही तरह की स्मेल और टेस्ट को महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे हुआ अध्ययन। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने स्मेल और टेस्ट को लेकर सभी भारतीय घरों में मौजूद 5 अलग अलग प्रकार की चीजों के आने वाली सुगंध का उपयोग किया। इन 5 सुगंधों को एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर चुना गया था जिसमें 100 व्यक्तियों को शामिल किया गया। उन्हें उन लोगों को चुनने के लिए कहा गया था जिन्हें वे सबसे आसानी से पहचान सकते हैं। इनमें लहसुन, पुदीना, इलायची, नारियल तेल और सौंफ जैसी चीजें शामिल थी। स्मेल की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होती। शोधकर्ताओं ने पाया कि जबकि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उन्हें गंध का नुकसान होता है, हालांकि उनकी स्मेल की शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। अध्ययन के अनुसार केवल 4.1% प्रतिभागी गंध परीक्षण के मौजूद 5 सुगंधों में से किसी एक की पहचानने में असमर्थ थे। उनमें से 38.8% सुगंध में से कम एक को पहचानने में असमर्थ थे और 16% लोग पहचान करने में सक्षम नहीं थे। मरीजों को नहीं आती नारियल तेल और पुदीने की खुशबू। अध्ययन का संचालन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना के मरीजों को सुगंधों का पता लगाने में असमर्थता होती है। उसमें नारियल तेल और पीपरमेंट यानी कि पुदीना शामिल है। टीम का मानना है कि जिस व्यक्ति को यह दो गंध नहीं आ रही है उसके आधार पर कोरोना के रोगियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पद्धति का उपयोग घर पर भी किया जा सकता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।